कुछ पेरेंट्स को ना ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमारा बच्चा ये नहीं खाता हमारा बच्चा वो नहीं खाता इस एक हेल्दी ईटिंग की जो हैबिट होती है हुँ। उसको किस तरीके से डेवलप्ड कर सकते हैं पेरेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद फूड इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप बच्चे को मील्स में इन्वॉल्व करो हुँ। कुछ बच्चों को ना खाने छूने से भी प्रॉब्लम होती है ये एक सेंसरी सेंसिटिविटी होती है इसलिए आ जाती है क्योंकि उनको इतनी आदत है कि कोई उनको चम्मच से खाना खिला रहा है उन्होंने कभी हाथ में खाना ही नहीं पकड़ा तो उनको वो पकड़ के ऐसे ऐसा लगता है कि हमको क्या पकड़ा दिया है इसलिए वो और जब वो चीज़ मुंह में जाती है उनको अच्छा नहीं लगता इसीलिए बच्चे कभी कभी मना करते हैं खाना खाने से और बिल्कुल मना कर देते हैं तो जैसे मैंने बोला टाइमली एक्सपोजर टू डिफरेंट फूड डिफरेंट टेक्स्चर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए ब्रेड कैसे फील होती है और नूडल्स कैसे फील होता है और चावल कैसे फील होते हैं इसके लिए सेंसरी प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसरी प्ले आजकल काफ़ी इन फैशन है और आई थिंक सब कर रहे हैं काफ़ी लोग अवेयर भी हैं सेंसरी प्लेज जो हम बचपन में सैंडपिट में खेलते थे सो so, अब सैंड पिट की जगह देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स राइस में खेलते हैं लोग सूजी में खेलते हैं एक उनको एक आगे एक बिन दे देते हैं उसमें चीज़ें डाल देते हैं और बच्चा बस उसको उठा के फेंक रहा है इधर से उधर स्कूप कर रहा है इससे ना उनकी सेंसेस सेंसरी सेंसिटिविटीज़ बढ़ती हैं एंड बट ये तो मैं आपको चलो एक इशू के बारे में बता रही हूँ सेंसरी सेंसिटिविटी और एक ओरल मोटर डिफिकल्टी भी होती है जहाँ बच्चे को च्यू ही करना नहीं आता और हमें hmm. लगता है वो मना कर रहा है कि उसे खाना नहीं खाना बट एक्चुअली उसको पता ही नहीं है उस खाने को मैं खाऊं कैसे उसको आता नहीं है ये दो मेन इश्यूज हैं इनके पीछे काफ़ी अंडरलाइन कॉजेज़ है बट जो रेगुलर हैं वो ये होता है मोटा मोटी दैट बच्चे को एक्सपोजर नहीं मिला नंबर वन नंबर टू बच्चे को आप इन्वॉल्व करो खाने में अगर आप खरीदने जा रहे हो सब्ज़ी फ्रूट लेके जाओ उन्हें अपने साथ मार्केट लेट देम फील इट टच इट उनको खुद ग्रोसरी शॉपिंग में इन्वॉल्व करो अगर आप उनके साथ किचन में उनको अपने साथ खड़े करो तीन साल के बच्चे को लेके जा सकते हो मार्केट में क्यों नहीं जाते हैं? मैं लेके जाती थी क्या है सुपर मार्केट तो आप लेके जा सकते हो आप उसको बिठाओ ट्रॉली में और बात करो दिखाओ ये ये है क्योंकि बच्चे एनी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप तभी सीखते हैं दो तीन साल की उम्र में ही सीखते हैं okay. अब तब ये करने करो उनके साथ में हमेशा बैठ के खाना खाओ खुद जब खाना खा रहे हो तो प्लीज डोंट यूज एनी स्क्रीन उसके बाद